नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरी कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो जो हमीरपुर बोर्ड या अदर डिपार्टमेंट के थ्रू जो भर्तियां होती हैं उससे रिलेटेड है और मैं उनका एक कंबाइंड वर्जन आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से किस किस टेस्ट के लिए क्या क्या अप्रोच रखनी है, जो मेन भर्तियाँ जो इस समय हमीरपुर बोर्ड या कोई और डिपार्टमेंट जो कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एचपी पुलिस के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की अपकमिंग भर्ती है, तो बहुत ज़रूरी भर्ती होने वाली है एचपी पुलिस की। एक बात मैं एचपी पुलिस की आपके सामने करूँगा। दूसरी जो भर्ती है दोस्तों वो रहेगी आपकी फॉरेस्ट गार्ड में, वो रहेगी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बाद जो अगली भर्ती रहेगी वो रहेगी आपकी पटवारी की। पटवारी की भर्ती के बाद जो आपकी अगली भर्ती रहेगी वो रहेगी जेओए आईटी की। और जेओए आईटी के बाद जो आपकी आखिरी भर्ती जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है टेट की, है ना। तो ये जो पांच मैंने आपके सामने यहां पे जितनी भी भर्तियां लिखी, अब देखो मैं इसको आपको किस तरह से इसकी अप्रोच आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि अगर आप इन किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं प्लस एलाइड और सब इंस्पेक्टर प्लस कमीशन की, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, पहले ही बता दूं। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको इसीलिए बना रहा हूं, मंडी डिस्ट्रिक्ट के नियर पड्डल पेट्रोल पंप के पास दोस्तों एकेडमी ऑफलाइन ओपन हो चुकी है। जो भी इन टेस्ट की या एलाइड सर्विसेज की या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर के कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे इस समय शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ कि जो हर एक एग्जाम है उसका टाइम लिमिट आपके लिए कितना रहता है और कितने मार्क्स का या कितने क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, क्वेश्चन या फिर मार्क्स का कितने का है, है ना। इस हिसाब से हम बात करेंगे, फिर हम चलते हैं कि आगे हमें क्या क्या किस किस तरह से क्या क्या कवर करना है। देखो सबसे पहले जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एचपी पुलिस की। तो एचपी पुलिस में जो आपको टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए वो दिया जाता है दोस्तों 60 मिनट्स का। टाइम कितना रहता है? टाइम रहता है आपके पास 60 मिनट का। और जो आपके पास क्वेश्चन या मार्क्स रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं आपके पास 80 मार्क्स, ठीक है जी। क्वेश्चन या फिर मार्क्स जो आपको आएंगे 80 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, और 80 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 60 मिनट आपको मिलेंगे। फिर मैं आपको हर एक एग्जाम में प्रेफरेंस बताऊंगा कि किस, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस है या फॉरेस्ट गार्ड है तो उसमें आपने किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अगला जो आपका पेपर है वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड का। तो फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है दोस्तों, जो आपको टाइम देते हैं वो देते हैं वो 75 मिनट। यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज्यादा 15 मिनट ज्यादा मिल जाते हैं, 75 मिनट आपको समय मिलता है। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी 5 क्वेश्चन बढ़ करके 85 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, ठीक है जी। 75 मिनट का ये हो गया और 85 मार्क्स का आपके हो गए क्वेश्चंस, या 85 हो गए आपके क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं दोस्तों पटवारी की। पटवारी में आपको टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है, पटवारी में आपको समय मिल जाता है दोस्तों 90 मिनट्स आपको पटवारी में समय मिल जाता है। और क्वेश्चंस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस। कितने हो जाते हैं? 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स। फिर अगला जो अभी बहुत चर्चा में रहा आपका जेओए 817 पोस्ट कोड। अब नया एक जेओए का अगर आप किसी ने फिल कर रखा है 903 वाला, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन तो मिल ही रहा है और ऑफलाइन भी खुल चुका है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं। अब जो जेओए आईटी का आपका अगला जो कोर्स है इसके लिए मैं आपको टाइम भी बता देता हूं और क्वेश्चंस भी बता देता हूं। अब जेओए आईटी का जो टाइम लिमिट रहता है दोस्तों वो रहता है 2 घंटे का, यानी अब समय भी बढ़ जाता है 120 मिनट और ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे, 170 क्वेश्चंस हो जाते हैं यहां पे, या तो यहां पे 170 क्वेश्चंस हो जाएंगे और मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों यहां पे 85 मार्क्स। कितने हो जाते हैं यहां पे? 85 मार्क्स हो जाते हैं। यहां पे जो हर एक क्वेश्चन
जो होता है वो हाफ मार्क्स कैरी करता है। हालांकि और आप जितने भी इधर के एग्जाम्स देखेंगे यहाँ पे हर एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हर एक क्वेश्चन होता है वो हाफ मार्क्स का होता है। और मैं अभी तक जितने भी मैंने आपको ये बताया किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगला है आपका टैट यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपको टाइम दिया जाता है वो टाइम दिया जाता है 150 मिनट। टाइम कितना दिया जाएगा, 150 मिनट आपको यहां पे टाइम दिया जाएगा। और जो आपके मार्क्स होंगे या जो आपको क्वेश्चंस होंगे वो भी कितने होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। अब टाइम जो है नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और क्वेश्चंस की संख्या भी नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस पेपर के लिए आपके पास ज्यादा समय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इनमें जो सबसे आसान पेपर आपके लिए बनेगा ना वो बनेगा JOIT का, उसके बाद जो अगला बनेगा वो बनेगा फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद बनेगा पटवारी का, फिर बनेगा पुलिस का। ये टेस्ट तो बहुत इजी है दोस्तों, ये तो मैं बोलता हूं कि आपका डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा अगर आप बाकी टेस्ट भी करते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहां पे ये जो फर्स्ट फोर है इसमें आपको ऐसा पता नहीं है कि इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, इसमें आपको कट ऑफ का पता नहीं है। लेकिन जो टेट है, टेट में आपको पता है कि आपकी कट ऑफ जो है ऑलवेज 60% जाती है, ठीक है, यानी 60% मार्क्स आपके जाएंगे इसमें कट ऑफ, इतने आपको लेने पड़ेंगे, यानी 90 नंबर। जिस भी स्टूडेंट ने टेट में 150 में से 90 मार्क्स ले लिए या 91 ले लिए तो उसका टेट जो है वो हो गया क्वालिफाई, फिर उसे फाइट करनी है कमीशन। अब बात कमीशन की हम करें तो कमीशन, एक मैं कमीशन की बात कर रहा हूं, एक अलाइड सर्विसेज की बात कर रहा हूं और एक सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं। इनका कोर्स यहां पर अकेडमी में अवेलेबल है, अलग क्लासरूम में अलग तरह से बैच बैठेगा, और ये वाला जो है इनका भी अलग अलग बैच अलग अलग तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई, ये चीज बताई हर एक पेपर के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले बात अगर मैं HP पुलिस की करूं कि HP पुलिस, पटवारी हो गया, JOIT हो गया, फॉरेस्ट गार्ड या टैट, हर एग्जाम की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता हूं या HP पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं तो जो एग्जाम पैटर्न होगा वो हमें पहले समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब सब कुछ आता है। हर एग्जाम में अपनी अपनी डिमांड रहती है। जैसे अगर मैं HP पुलिस में बात करूं तो HP पुलिस में जो आपका बेड़ा पार करता है मेनली वो करता है मैथ प्लस हिंदी। जिस व्यक्ति का मैथ और हिंदी अच्छा है उसका HP पुलिस में होना पक्का है। यहां पे आपको HPGK पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। HPGK कहेंगे 4 से 5 सवाल या 2 से 3 सवाल, तो HPGK की ओर ज्यादा ध्यान देना है। वहीं पर अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की ओर आ जाएंगे तो आपको अपनी प्रेफरेंस बदलनी पड़ेगी, आपको HPGK प्लस साइंस की ओर बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ध्यान आपको हिमाचल प्रदेश के GK पर और साइंस पर ही देना पड़ेगा, तो उसी पर देना पड़ेगा, मैथ वगैरह पर देने की जरूरत नहीं है। वहां से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बात करें आगे पटवारी की, तो पटवारी के पेपर में क्या होता है कि एक यहां पर जरूरी हो जाता है आपके लिए मैथ, और एक हो जाता है आपके लिए जरूरी हिंदी, और एक हो जाता है आपके लिए जरूरी GK। अब यहां पे आपको साइंस छोड़नी पड़ेगी, यहां पे आप मैथ, हिंदी और GK को अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। क्यों? अगर आप क्वेश्चंस की संख्या देखेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इधर 80 थी, इधर 85 थी, इधर 100 थी। अगर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी तो जो सब्जेक्ट है वो भी तो बढ़ेंगे, यानी आपको यहाँ पे थोड़ा और एक्सपेंड अपने नॉलेज को करना पड़ेगा। हालांकि पटवारी का पेपर होता आसान है, आसान होना और सब्जेक्ट्स को कवर करना बहुत डिफरेंट चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है बाकी जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी या ऑनलाइन चलेगी तो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसी के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो JOIT का आ गया, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का पढ़ना है और 120 क्वेश्चन दोस्तों आपको कंप्यूटर के ही आएंगे। 120 क्वेश्चन किसके आएंगे? कंप्यूटर के आएंगे। हालांकि इस बार जो JOE का एग्जाम हुआ 817 पोस्ट कोड, उसमें क्या हुआ कि उसमें था तो यानी PGDCA से लेवल का ही था, लैंग्वेज से ज्यादा सवाल थे, एक्सेल से ज्यादा सवाल थे। हालांकि इतना एक्सेल वगैरह को यूज करता नहीं है,
अगर करते भी होंगे दोस्तों तो वो JOIIT का जॉब करेंगे ही, ठीक है। तो इस बार तो हमें यही उम्मीद है कि जो 903 पोस्ट कोड है उसमें इस तरह के सवाल ना पूछे जाएं, क्योंकि इस बार जो पोस्ट है वो भी कम है और कैंडिडेट्स भी भरने वाले ज्यादा नहीं है। अगला आ गया आपका टेट का। तो टेट की तो दोस्तों मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि टेट का जो एग्जाम है उसमें आपके लिए हर एक चीज जरूरी है और इसमें 60% मार्क्स चाहिए, जो बहुत आसानी से मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो भी कोचिंग लेगा अकेडमी में, ऑफलाइन ले चाहे ऑनलाइन ले, उनका डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब अगली जो हमारी वीडियो इसके बाद रहेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इंग्लिश में कौन से करने हैं, HP में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे और किस किस तरह से हमारी क्या क्या चीजें रहेंगी। और आपको बता दूं ये जो कोर्स रहने वाले हैं ये दोस्तों पेड कोर्स हैं, चाहे आप ऑनलाइन परचेज करें चाहे आप ऑफलाइन परचेज करें, दोनों की फीस सेम रहने वाली है। आपकी क्लासेस भी एज इट इज लाइव और ऑफलाइन दोनों चलेंगी, यानी अगर कोई स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान कई बार ऐसा रहता है कि अगर लॉकडाउन फिर से लगता है तो हमारा क्या रहेगा कि हम ऑफलाइन तो क्लास लगाएंगे ही लगाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन भी साथ साथ में क्लास लगाएंगे, ठीक है। आपके डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होते चलेंगे और ऑफलाइन स्टूडेंट्स जिनके डाउट हैं वो भी साथ साथ में क्लियर होते चलेंगे। इस वीडियो के लिए दोस्तों और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।